जैसा कि हमने कहा था जो हम खाएंगे किसी जरूरतमंद को भी खिलाएंगे, तो ये भाई साहब मुझे मिले हैं, भाई साहब खा लेना, गर्मा गर्म खाना है आपके लिए और हमारे लिए, दुआ करते रहना हमारे चैनल के लिए। तो दोस्तों ऐसे अपना अशोक पर भीड़ दिखा दे, ये देख लो भाई कहां से, उधर से देखा आशु, वहां से जरा कोशिश करने दिखाने की। ये एक बार आपको दिखा देता हूं कि कितना फेमस ये ढाबा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी जगह लेके आया हूं जहां के मेरा दिल तो यार बहुत खुश हो जाता है और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। ये मैं बता देता हूँ लोकेशन क्या है। लोकेशन है, ये है सहारनपुर का खुमरान पुल। यार अभी थोड़ा रात का टाइम है, लाइट भी गई थी, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। और खुमरान पुल के साथ साथ यार ये है हमारी पाँव धोई नदी। अभी रात का व्यू आप क्या दिखाऊँ, थोड़ा गंदी रहती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सबसे फेमस और सबसे पुराने ढाबों में से एक आज मैं आपको लेकर आया हूँ, जनक ढाबा। और दोस्तों ये ढाबा बहुत पुराना तो है ही और अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है पूरे शहर में। मुझे तो लगता है शायद ही शहर में कोई होगा जिसे इसका नाम या जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा। तो मेरे साथ चलो, बहुत पुराना ये ढाबा है। अब इस ढाबे के देख लो एक बार को, ये पहले ढाबा हुआ करता था लेकिन सेकेंड जनरेशन ने मेहनत करके इसको एक रेस्टोरेंट या रेस्टो ढाबा आप कह सकते हो उसमें चेंज कर दिया। तो आओ मेरे साथ चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आए हैं जी अंदर, ये है मेन काउंटर और ये देखो जी गर्मा गर्म ये है तंदूर में लग रहे हैं, नान लग रहे हैं, बटर नान, और यहाँ पे हर तरह के जो है आपके नान तैयार हो रहे हैं। अब मैं इसको खैर बाद में कवर करेंगे, मैं आपको लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ, ये आपको अंदर से पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे भी सिटिंग का अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी। अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया दोस्तों, वैसे ये भरा रहता है, यहाँ पे जगह नहीं मिलती बैठने की, आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है कई बार तो। पर एक चीज़ और है, वेटिंग के साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप ऑर्डर दोगे तो वो वेटिंग का टाइम जो है ना वो बहुत कम है, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। इसके बाद ये इनका एक हॉल है, ये वाला, ये भी यूजुअली फैमिली हॉल है, भरा रहता है ये भी। तो चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं इनका ऊपर, एक दूसरा हॉल है वो उसको दिखा देता हूँ आपको, कितना चेंज कर दिया उन्होंने इसको, एक ढाबा हुआ करता था और अब ये ढाबे से बन गया है, रेस्टो ढाबा या रेस्टोरेंट भी आप इसको कह सकते हैं। आओ मेरे साथ। तो अब चलते हैं जी तीसरे सेक्शन की तरफ। इस रेस्टोरेंट में यार मैं जब भी कुछ आता हूँ ना, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। पहले यहाँ पे कुछ और था, अब यहाँ पे बन गया इनका स्नैक्स पॉइंट। ये आपके सामने देख लो कितनी बड़ी है स्नैक्स की किचन है, सारे स्नैक्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं, यहाँ पे बनते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर, तो आप मेरे साथ अब चलो ऊपर। तो ये देखो भाई, अब चलते हैं ऊपर इसका एक और सेक्शन देखने के लिए। भाई सच में एक तो ये लाइटिंग जो है ना, लाइटिंग और ये जो इन्होंने डेकोरेशन कह सकते हो आप, वेल मेंटेन्ड। ये रेस्टोरेंट अब एक वेल मेंटेन्ड रेस्टोरेंट है। आइए, तो ये धीरे 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 अब हम पहुंच गए हैं ऊपर इनके फैमिली हॉल की तरफ। यहाँ तो पार्टी चल रही है, ये है इनका फैमिली हॉल। आज शायद यहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, एक बार आशु दिखा दे। काफ़ी वेल डेकोरेटेड है और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हुई भी है। तो दोस्तों चलो लेट देम इन्जॉय, हम अपना इन्जॉय करते हैं। आओ मेरे साथ।
चलिए अब भाई यहीं पे एक दूसरा फैमिली हॉल भी है, ये भी फैमिली के साथ आप देख लो एक बार यहाँ के कितने अच्छे से यहाँ पे ये वेल डेकोरेटेड है, कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर लिया। अब इसको ये दिखा आशू। और अब इनका एक लास्ट सेक्शन, जहाँ तक मुझे लग रहा है लास्ट है, क्योंकि यार काफ़ी कुछ बदलता रहता है यहाँ पे। अब लास्ट सेक्शन में आपको दिखाता हूँ, बाहर से ऊपर चलते हैं एक बार आशू। तो और ये है इनका पार्टी हॉल, आइए मेरे साथ पार्टी हॉल भी आपको दिखा देता हूं मैं। तो ये है जी इनका पार्टी हॉल, है ना भैया, पार्टी हॉल है, एक बार ये भी देख लो। तो मेरे हिसाब से अपने शहर में आप इसे ढाबा कह लो, आप इसे रेस्टोरेंट कह लो, आप इसे पार्टी हॉल कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन दोस्तों एक बात की गारंटी मैं दे देता हूँ, यहाँ का खाना भी, इनकी डेकोरेशन जितनी अच्छी है ना, या जितना अच्छा आपको ये रेस्टोरेंट लग रहा है, खाना भी बिल्कुल उसी कसौटी पे खड़ा उतरेगा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मैं तो पहले आ चुका हूँ काफ़ी बार, यहाँ पे खा भी चुका हूँ, इस बार आपको दिखाता हूँ क्या खास है, क्या हम खाने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो ये होने वाली है। तो भाई यहाँ पे इन यहाँ के जो ओनर है हमारे भैया से बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम? सूरज सचदेव। सूरज, तो सूरज भैया थोड़ा सा बताओ ढाबे के बारे में कि कितना ये पुराना है। अब तो खैर रेस्टोरेंट बन गया, आप लोगों ने काफी मतलब इसको वेल मेंटेन कर लिया, थोड़ा बताइए इसके बारे में कितना ये पुराना है। 78 का बना हुआ है जी, हमारे फादर ने शुरू किया था 78 में। आपके फादर ने? जी जी। अच्छा, अब ये सेकंड जनरेशन आप लोग? नहीं, उसके बाद मेरे बड़े भैया ने किया, उसके बाद मैंने संभाला, फिर मेरे छोटे भैया ने, अब मेरा बेटा संभालता है मेरे साथ। तो देखिए थर्ड जनरेशन ये आ रहा है, 1978 का बता रहे भैया शुरू हुआ है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का टेस्ट जो है ना लाजवाब है, पूरे शहर में जैसे कि मैंने बताया शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने यहाँ का नाम ना सुना हो। तो चलिए भाई भैया हमारे लिए कुछ लगवाइए, फिर देखते हैं भैया यहाँ का आपका। हम बैठिए, आपको खाने में चीज बटर मसाला, दाल महाराजा, स्टफ नान, कंधारी नान जी, और खीर खिलाएंगे आपको, स्वादिष्ट खीर हमारे यहाँ। तो चलो भाई, भैया ने इतना कुछ बता दिया तो यार नाम सुन के ही भूख जा गई वो तो। तो चलिए मेरे साथ, फिर मैं आपको बता दूँ कैसा यहाँ का टेस्ट है, बने रहो इस वीडियो में दोस्तों। चलो मेरे साथ, यहाँ पे सूरज भैया के छोटे भाई हैं कमल, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो हेलो कमल भैया, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थोड़ा सा बताओ कि यार कैसे आप लोगों ने इसको ये मॉडिफाई करने का, मतलब आपका कैसा आइडिया आपको रहा, कैसे आपके लोगों को स्ट्रगल रहा, थोड़ा सा बताओ उसके बारे में। हमारे पिताजी ने इसको लगभग अब से 40 से 50 साल पहले इसको शुरू किया था, 1978 में शायद स्टार्ट किया। बस अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का प्यार और स्नेह मिलता रहा, हम इसे अपग्रेड करते रहे। बिल्कुल। तो चलिए भैया कुछ हमारे लिए भी यार बढ़िया सा कुछ यहाँ से स्नैक्स पॉइंट से भी मंगा दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो चलिए भैया, तो बस दोस्तों अब चलते हैं ऊपर, और जैसे मैंने कहा यार काफ़ी भूख बढ़ी हुई है, हमारा स्टार्टर, और एक बार स्टार्टर देख लो, प्रेजेंटेशन देख लो, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा सामने। ये है हमारे तंदूरी मोमोज, ठीक है, वेल गार्निश्ड हैं। और ये है हमारी अफगानी चाप, ये भी दिखा देता हूँ आपके पास से। और यह है चीज़ कॉर्न रोल। तो चलो भाई पहले इनको खाता हूँ, पहले इनका थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि अब स्नैक्स जो इन्होंने स्टार्ट किए हैं वो टेस्ट में कैसे हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से, चीज़ कॉर्न रोल ले लेते हैं। ये देखो जी कितना ज़्यादा इसमें चीज़ बराबर, ये चीख चीख के, ये देखो जी ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वाह वाह क्या ज़बरदस्त स्टफिंग इसकी की हुई है। तो चलिए इसको डिप करते हैं, दो तरह की चटनी है, ये रेड चटनी, ये ग्रीन चटनी, पहले भी इन दो के साथ ही खाऊंगा, बाद में उसको ट्राई करूंगा गार्लिक चटनी को। अब थोड़ा सा इस वाली चटनी के साथ, एक बाइट में ना यार इस चटनी का जो फ्लेवर है वाह वाह पूरे मुंह में घुल गया। बड़ी ज़बरदस्त चटनी ये बनाई हुई है, गार्लिक चटनी इनकी, मुझे लगता है शायद इन दो चटनीज के आगे तो भाई ये जो चटनी है ना ये भाई लाजवाब चटनी है इनकी। फिर एक और पीस दोबारा से उठा लेता हूँ, और यार ये चटनी मेरे को लाजवाब लग रही है, तो मैं इसी के साथ ही ट्राई करूँगा। बाहर से जितना क्रंची है, अंदर से इसकी स्टफिंग उतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देख लो एक बार, काफ़ी सारे चीज़ है इसके अंदर, पनीर काफ़ी भरा हुआ है ना भैया ने, मेयोनीज है शायद, और क्रीम है काफ़ी सारी। तो ये लाजवाब चीज़ कॉर्न रोल है, और भाई ये चटनी तो यार वाह, कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो वाला काम है इसका। वाह भाई, तो
अब है जी ये हमारा अफगानी चाट, इसकी भी एक बाइट बनाता हूँ प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा ये जो हमारा तंदूर में जो ग्रिल हो जाता है ना प्याज, ये रख लेता हूँ हल्का सा। ये रेड चटनी, ये ग्रीन, और ये बनी रही बाइट। ये जो इसके ऊपर भैया ने जो इसकी मैरिनेशन की हुई है, और ये जो क्रीम्स वगैरह इसके ऊपर पड़ी है ना, क्रीम पड़ी है, क्रीम एंड के सॉसेस हैं, इसका बड़ा जबरदस्त टेस्ट इसमें आया हुआ है। अब इसको ट्राई करते थे इस वाली चटनी के साथ। और वो टीवी एड मुझे याद आ रहा है कि ये चटनी नहीं भाई रॉकेट है। भाई स्नैक्स जो है ना जो उन्होंने स्टार्ट किए भाई, लाजवाब टेस्ट इनका आया हुआ है सारे स्नैक्स का। ये एक दो, अब तीसरा स्नैक हमारा तंदूरी मोमोज, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे से इसको ग्रिल किया हुआ है, लेकिन यार ये काफ़ी बड़ा पीस है, तो चलिए खैर ऐसे ही इसको उठा लेता हूँ। एक बार पास से दिखाइए मुझे राशु, ये देखो यार कितने तरह के सॉसेस इसके ऊपर पड़े हैं। ये हमारी क्रीम है और इसमें तंदूरी सॉस हमारा लगा हुआ है, मैं आपको बता। तो चलिए खैर इसको भी एक बार इन दो चटनीज के साथ, भाई जहां तंदूरी सॉस हो और अब ये गार्लिक चटनी हो, तो देखते हैं दोनों क्या कमाल करते हैं। दोनों सॉस मिल गए ना, जबरदस्त फ्लेवर क्रिएट कर रहे हैं। और भाई इस चटनी को तो हेड्स ऑफ है, जो भी इनकी सेल्फ क्रिएशन है इस चटनी में, जो भी इन्होंने डाला हुआ है, लाजवाब टेस्ट की वजह से आए हुए हैं। तो दोस्तों स्नैक्स जो भैया ने यहाँ पे बताया कि शुरुआत की है स्नैक्स की, वो 10 out of 10 मेरी तरफ से है। यहाँ के स्नैक्स भी आप जरूर जरूर ट्राई करें। ये आ गया जी हमारा मेन कोर्स, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें। ये है चीज़ बटर मसाला, ये देखो भाई कितना सारा इसमें बटर पड़ा हुआ है, ये वाह। ये देखो एक बार ग्रेवी देख लो पास से, क्या स्मूथ इसकी ग्रेवी है। ये है दाल महाराजा, ये है इनकी स्पेशल दाल, और इसमें भी काफ़ी सारा वही अमूल बटर क्रीम। ये है हमारा लच्छा पराठा, और ये हमारा स्टफ नान, ठीक है, और ये हमारा सिरका वाली प्याज इसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों अब जरा डिनर मैं प्रॉपर तरीके से कर लेता हूँ। पहले मैं बाउल ले लेता हूँ, थोड़ा सा बाउल में ये दाल मखनी में निकाल लेता हूँ। दाल महाराजा भैया ने मेरे को बोला है कि नॉर्मल दाल मखनी से ये अलग होती है, और ये देखने में भी मेरे को लग रहा है यार इसका। एक बाउल में थोड़ा सा ये मैं चीज़ बटर मसाला निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा भाई ये दो चार ये इधर से ले लेता हूँ। चलिए और इसके बाद मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ट्राई करूँगा। ये स्टफ नान ले लेता हूँ पहले, और थोड़ा सा इधर से मैं ये आपका अनियन रख लेता हूँ। और अब मैं आपको इनका टेस्ट आपको बताने वाला हूँ। ये है पहले मैं यार दाल महाराजा, क्योंकि इसका नाम बड़ा स्पेशल लग रहा है मेरे को कि कैसा इसका टेस्ट है। कुछ तो नाम ही इतने अच्छे होते हैं ना कि दाल महाराजा, मतलब खाने के बाद शायद मेरे को लग रहा महाराजा वाली फीलिंग आ जाए। तो कहते हैं ना नाम में क्या रखा, भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है आजा चख लें, तो कभी दोस्तों मौका मिले तो यहाँ आके बताऊँगा फिर क्या क्या आपको चखना है, पहले मैं चख लेता हूँ। वैसे अगर आप इसको पास से देखोगे ना ये आपको दाल मखनी जैसे दिखाई देगी, पर हाँ इसमें कुछ ना कुछ तो इन्होंने जो है ना चेंज कर दिया है। और चेंज करने के बाद जो उसका फ्लेवर है दाल महाराजा वाला, वो मेरे को फील हुआ है काफ़ी कुछ इसमें मिक्स किया गया है। दाल मखनी के बाद इसमें काफ़ी कुछ मिक्स किया गया है। बड़ी स्मूथ है, इसे जब खाओगे ना स्मूथनेस इसके अंदर है दाल महाराजा के। पर पता नहीं क्यों बार बार मेरा मन इसको अब कर रहा है कि एक बाइट और, एक बाइट और, क्योंकि इसका टेस्ट जो है ना
बड़ा ज़बरदस्त है। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों ये जो नाम है ना दाल महाराजा, 100% उस पर फिट बैठी है दाल, और ये यहाँ का मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में मोस्ट सेलिंग आइटम यहाँ पे बनने वाला है, नाम भी और टेस्ट भी। अब चलते हैं दूसरे आइटम की तरफ यार, पर क्या करूँ, बीच बीच में ना ये दाल महाराजा मुझे बार बार अपने पास बुला रही है। मतलब इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, मेरे को लगता है कि नान के विदाउट मैं इसको सारी खा जाऊँगा। बड़ी अच्छी दाल महाराजा यार। तो चलो भाई अब दूसरा भी खाना है क्योंकि ऑलरेडी पहले मैंने बहुत कुछ खा लिया और इतना टेस्टी यहाँ पे खा लिया, तो इसके बाद नए नए टेस्ट करने को यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो अब चलते हम, ये है जी हमारा चीज़ बटर मसाला, और इसकी मैं प्रॉपर बाइट बनाऊँगा ये यहाँ से, और थोड़ा सा यहाँ से ले लेते क्योंकि वो वहाँ पर प्याज काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ही लेना है मेरे को। ये बनी थी मेरी प्रॉपर बाइट। भाई पनीर की कोई भी डिश हो उसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर होना चाहिए, वो स्मोकी सा फ्लेवर इसके अंदर, बिना उस स्मोकी फ्लेवर के भाई पनीर की डिश का मुझे तो मज़ा नहीं आता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, पर ये जो स्मोकी सा फ्लेवर आता है ना भाई, यही पनीर की डिश में एक यूनिकनेस ऐड कर देता है। फिर से एक बार एक और बाइट बनाऊँगा। थोड़ा सा प्याज मुझे लेना, तो मैं वहीं से उठा लेता हूँ क्योंकि इधर मेरे पास यार है तो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा है। और फिर एक देखिए कितनी प्यारी बाइट ही बनी है। यार इसकी जो ग्रेवी है ना, इसकी भी ग्रेवी आपको बता देता हूँ, बड़ी स्मूथ ग्रेवी है। अब तक मुझे दोनों खाने में कोई भी तीखापन, तेज मिर्च मसाला इस तरह का कुछ नहीं फील हुआ, बट मतलब स्मूथ, नाम भी और टेस्ट भी। पर दाल महाराजा मैं फिर आपको बता रहा हूँ, दाल महाराजा मुझे फिर से बुला रही है, मैं सही बता रहा हूँ, ये दाल महाराजा यार मैं ख़त्म ही करके जाऊँगा। इसका तो मैं फ्लेवर आपको बता देता हूँ, जो हमारी टैग लाइन है देसी स्वाद जुआ से दिल तक, भाई वाकई में इसने तो मेरे को देसी स्वाद जुबान से दिल तक फील करा दिया। दोस्तों अब बात आई प्राइसिंग की, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के प्राइसिंग बड़ी जेन्युइन है। फैमिली के हिसाब से आप यहाँ आएंगे तो मुझे नहीं शायद लगता कि मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत है कि प्राइसिंग ईच एंड एवरी आइटम की मैं आपको अलग से बताऊँ। तो भाई यहाँ नीचे आने के बाद अब मीठे में मेरे को खाने के लिए मिला है ये ड्राई फ्रूट वाली ठंडी खीर, और ये है मिट्टी के कुल्हड़ में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार मेरा दिल खुश हो जाता है जब मिट्टी के कुल्हड़ में कोई चीज़ खाने को मिलती है, सबसे बड़ी बात है कि आपको देश की माटी को चूमने का एक मौका मिल जाता है। तो चलो भाई इसको भी ट्राई करते हैं। वाह भाई वाह, भाई वाह यार क्या बताऊँ इसके बारे में, मन कर रहा है एक बार घूंट करके पी जाओ उसको। भाई लाजवाब ये आइटम है। बस मैं तो यही कहूँगा, यहाँ पे अगर आप आए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना खाना वगैरह यहाँ का कैसा है, और अगर आप नहीं आए हैं तो यार निकलो, घर से निकलो अपनी फैमिली के साथ, और यहाँ के ये लाजवाब स्नैक्स और यहाँ का लाजवाब खाना ज़रूर ज़रूर खाना। और हाँ ठंडी खीर को मत भूल जाना, क्योंकि देश की माटी को चूमने का मौका आपको मिलने वाला है।